मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। यार आज मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है कि अचानक हमने प्लान बनाया कि हाइकिंग पर चलते हैं। अभी सीन ऐसा है कि दोस्त भी साथ है मेरे, और जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं ना ही मुझे रास्ता आता है और ना ही दोस्त को आता है, तो और भी मज़ा आएगा जब रास्ता भटकेंगे। लेकिन यार ये मौसम आज बहुत ही कमाल का मिल गया है, तो इसलिए हमने अचानक ही प्लान बनाया और निकल पड़े। ऊपर जाकर क्या खूबसूरत व्यू मिलता है, देखा तो मैंने पहले नहीं है, लेकिन वीडियोस में जो व्यू देखे है और आज जो मौसम है, मज़ा आएगा। तो चलते हैं, वहीं पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है वहाँ हम पहुँच चुके हैं, बाइक यहाँ पीछे पार्क कर दी है। तो अभी मैं मिलवाता हूँ अपने दोस्त से जो आज मेरे साथ जा रहा है ट्रैक पर। तो ट्रैक हमारे सामने ही है, अब ये ट्रैक जहाँ भी जाएगा हम जाते जाएंगे, तो जो भी व्यू हमें मिलेगा वो आपको दिखाएंगे। तो आ जाएं, आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। ये रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जैन? करिए अपनी सुनाए। तो बाइक हमने यहाँ पर पार्क कर दी है क्योंकि पार्किंग की यही जगह है और कोई जगह नहीं है। उम्मीद है सेफ ही रहेगी यहाँ। तो आ जाएं, अब चलते हैं अपने ट्रैक पर। इस ट्रैक का मैंने सुना है कि है तो 10 मिनट का ही ट्रैक, और हम देखते हैं कि हम कितने अभी क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि जो वीडियो देखकर मैं आया हूँ उसमें ये बता रहे थे कि 10 मिनट लगते हैं। लेकिन ये ट्रैक है तो खूबसूरत, मज़े गए। अभी तक रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरत भी है और आसान भी है। हाँ, इतना मुश्किल एक और मज़े की बात भी बताऊं, यहाँ पर लेपर्ड्स भी हैं। पता है मैं क्या बंदोबस्त करके आया हूँ? ये है मेरा बंदोबस्त, ये देखो। गुड। तो अगर चीता आता है तो क्या करना है पता है? वो किस तरह है क्या? तो चीते का हम ये बंदोबस्त करके आए हैं। बस गुड गुड बंदोबस्त। तुम्हारे पास भी ट्राइपॉड है ना? तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास भी है ये। आपके पास वो है, मेरे पास ये। ये जब चीता आएगा, चीता आएगा तब पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। वो आगे होंगे और वो पीछे। चलिए जी, बाबर भाई ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है आज। चलिए चलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी हाइट स्टार्ट हुई है।
इतना टफ है नहीं जितना मैं समझ रहा था। इजी ट्रैक है। यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। अभी सीन ये है कि दोनों साइडों से ना डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए क्लियर व्यू नहीं आ रहा। ऊपर जब पहुंचेंगे ना वहाँ से पूरे इस्लामाबाद का क्लियर व्यू आएगा। आई थिंक हम पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। मैं ऐसी जगह की तलाश में था जो कि करीब भी हो, ज़्यादा हाइकिंग भी ना हो और इस तरह का हमें व्यू भी मिल जाए। सब चीज़ें पूरी हो गई हैं इस ट्रैक पर। अभी वहाँ दूसरी साइड पर चलते हैं, वहाँ पर भी खूबसूरत व्यू मुझे नज़र आ रहा है, तो वो चल के देखते हैं। रमज़ान में जब मैं आया था और बारबेक्यू की जगह ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिल रही थी, उस टाइम पर यही जगह मैं ढूंढ रहा था, तो अब मुझे ये जगह मिल चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में हम एक अफ्तार यहाँ पर आकर करेंगे। चले आ जाए, वापस चलते हैं। यहाँ की जो हाइकिंग है ना वो वाकई 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। हमने रास्ते में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी की थी और फिर भी पता भी नहीं चला और ऊपर पहुँच गए थे। तो मैक्सिमम आप इतना ज़हन में रखें कि मैक्सिमम 10 मिनट की हाइक है बस। यहाँ से ना अब दो रास्ते नीचे जा रहे हैं, एक ये इस तरफ से जा रहा है और दूसरा ये इस तरफ से जा रहा है, तो हम चलते हैं इस तरफ से। क्यों चलते हैं इस तरफ से? कोई ख़ास वजह नहीं, बस वैसे ही आ जाए।
हम शॉर्ट रास्ते से उतरे हैं, अदरवाइज वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो हम पहुंच चुके हैं वापस अपनी बाइक के पास, तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद है जैन को भी बहुत मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा जी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।